गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्री टॉपोलॉजी, हाइब्रिड टॉपोलॉजी के बारे में स्टडी किया। ओके, सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मैश टॉपोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट। मैश टॉपोलॉजी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ राउट्स अनलाइक ईच ऑफ द प्रीवियस टॉपोलॉजीज। मैसेजेस सेंट ऑन अ मैश नेटवर्क कैन टेक एनी ऑफ सेवरल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सम वैंस, मोस्ट नोटेबली द इंटरनेट, एम्प्लॉय मैश राउटिंग। तो मैश टॉपोलॉजी में क्या है? मैश टॉपोलॉजी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स। ओके, ये रूट्स के बारे में, अनलाइक ईच ऑफ द प्रीवियस टॉपोलॉजी, ये प्रीवियस टॉपोलॉजी में से नहीं है। ओके, जो हमने प्रीवियस टॉपोलॉजीज पढ़ी उसमें से वैसे टॉपोलॉजी ये नहीं है। मैसेज सेंट ऑन अ मैश नेटवर्क कैन टेक एनी सेवरल पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अभी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये मैश टॉपोलॉजी में क्या होता है कि हम नेटवर्क सेंड करते हैं, इसका रूट, उसका जो पाथ होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है। जो पाथ में कोई मैसेज सेंड नहीं हो रहा, जो पाथ खाली है उस पाथ में ये मैसेज सेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये वाले कंप्यूटर से मुझे ये वाले कंप्यूटर पर नेट सेंड करना है। ओके, पर अभी ये वाला पाथ जो है वो खाली नहीं है, तो मैं किस तरीके से सेंड करूंगी मैसेज? यहाँ से लेके ये कंप्यूटर से ये कंप्यूटर में जाऊंगी, फिर ये कंप्यूटर इस तरीके से इसको मैसेज सेंड करेगा। ओके, सो हम अपना जो भी पाथ, जो भी रूट खाली होगा, जो भी लाइन खाली होगी, हम उस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके हिसाब से हम अपने मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, उसका यूज़ करके। मैंने आपको एग्जांपल ही बताया कि मैश टॉपोलॉजी में कोई भी रूट डिसाइडेड नहीं है। जो भी लाइन हमें खाली मिलती है उस लाइन पे हम मैसेज सेंड करके डेस्टिनेशन तक अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, सम वेंस मोस्ट नोटेबली द इंटरनेट एम्प्लॉयज मैश राउटिंग। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैश टॉपोलॉजी, इन दिस टॉपोलॉजी डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइस कम्युनिटिवली। ओके, मैंने आपको बताया कि इसका जो डेटा ट्रांसफर है वो कैसा है, डिफरेंट डिवाइसेस से होता है। ओके, नेक्स्ट, इट रिमूव्स और एलिमेंट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ लिंक शेयरिंग। इसमें क्या है, रिमूव एलिमेंट्स द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ द लिंक शेयरिंग। ये क्या है, लिंक शेयरिंग है। मैंने वैसे ही बताया कैसे एक दूसरे से कैसे किस तरीके से कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक है। ओके, तो ये क्या है, ट्रैफिक प्रॉब्लम इसमें कम होता है। ओके, नेक्स्ट, इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टॉपोलॉजी, टॉपोलॉजी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड कंट्रोल और मेंटेन। अभी मैंने आपको इसमें इतने सारे वायर्स कनेक्टेड है तो इससे क्या होता है, हमको डिफ़िकल्टी होती है इसको इंस्टॉल करने में। ओके, इसको इंस्टॉल करने में भी डिफ़िकल्टी है, इसका मेंटेनेंस भी क्या है, मेंटेन करना भी क्या है, कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है अदर्स टॉपोलॉजी से। ओके, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली है। ओके, थर्ड इज हाई अपॉर्चुनिटी ऑफ रेडेंसी। ओके, हाई अपॉर्चुनिटी ऑफ रेडेंसी। अब नेक्स्ट है नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमने मैश टॉपोलॉजी के बारे में स्टडी कर लिया। मैश टॉपोलॉजी क्या है, अदर टॉपोलॉजी क्या डिफरेंट है। ओके, जैसे हाइब्रिड टॉपोलॉजी किसे दो तीन टॉपोलॉजी को मिक्सचर था। ओके, और ट्री टॉपोलॉजी क्या था, स्टार टॉपोलॉजी से दो बस टॉपोलॉजी और स्टार टॉपोलॉजी मिक्सड है, दोनों का मिक्सर था। ओके, अभी और बस रिंग ये सारे किसी नॉर्मल टॉपोलॉजी, पर ये सबसे अलग है। मैश टॉपोलॉजी क्या है, ये सबसे डिफरेंट है। ओके, और इसको इंस्टॉल करना भी डिफिकल्ट होता है, इसको मेंटेन करना भी क्या डिफिकल्ट, और ये क्या है, कॉस्टली भी है। ओके, एक्सपेंसिव भी है। सो अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज एन
ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क कन्फ्यूज एंड विच सॉरी एंड वॉट स्ट्रेटजीज आर बींग यूज. कंप्यूटर नेटवर्क आर टू मेन टाइप्स. अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या, ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिस्क्राइब्स हाउ कंप्यूटर नेटवर्क कन्फ्यूज एंड वॉट स्ट्रेटजीज आर बींग यूज. ओके, इसमें कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की जाती है और उसका डिज़ाइन किस तरह का है. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क आर मेन टू टाइप्स. इसके कितने कंप्यूटर नेटवर्क है, कितने टाइप है, टू टाइप्स. ओके, क्लाइंट सर्वर, फर्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड सेकेंड है पीयर टू पीयर नेटवर्क. ओके, अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज डिजाइन फॉर एंड यूजर कॉल्ड क्लाइंट्स टू एक्सेस रिसोर्स सच एज फाइल, सॉन्ग्स, वीडियोज, कलेक्शंस और सम अदर सर्विस फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर. अभी क्लाइंट क्या होता है, एंड यूज़र. एंड यूज़र मतलब हम जैसे कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं. अब हम किसी दुकान से खरीदते, पर दुकान वाला तो वो चीज़ बनाता नहीं, दुकानदार कहीं और से लाता है अपनी दुकान में वो चीज़ें और फिर हम अपने नीड के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं. ओके, हमारी ज़रूरत जो होती है वो हम चीज़ें खरीदते हैं दुकानदार से खरीदते. ओके, तो क्या हम क्या हो गए, दुकानदार से खरीदने वाले हम एंड यूज़र हो गए. ओके, टू एक्सेस रिसोर्स सच एज अ फाइल, सॉन्ग्स, वीडियोज, कलेक्शन और सम अदर सर्विस फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर. सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं. ओके, सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू क्लाइंट्स एंड कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्स. सर्वर क्या होता है, सर्वर इज अ कंप्यूटर. ओके, दैट प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को. कौन सी, कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्स. क्या होती है, सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है. ओके, क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विस लाइक डेटा रिट्रीवल, स्टोरेज एक्सेट्रा फ्रॉम द सर्वर. अभी क्लाइंट क्या है, कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट, कंप्यूटर क्या रिक्वेस्ट करता है, सर्विस लाइक डेटा स्टोरेज एक्सेट्रा ऑफ द सर्वर, ये रिक्वेस्ट करता है. ओके, क्लाइंट आप देख सकते हैं इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपको डायग्राम भी दिया गया है. ओके, नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क. अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क वेयर अ फ्यू कंप्यूटर हैविंग इक्वल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज आर कनेक्टेड टूगेदर टू यूज द रिसोर्सिस अवेलेबल ऑन द नेटवर्क. इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट. अब इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या आता है, सारे जो इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है वो क्या है, वो कोई सेंट्रल सर्वर या कोई मेन हब नहीं होता. वो क्या, उसमें कोई भी कंप्यूटर मेन है नहीं, सारे कंप्यूटर क्या है, ईच कैपेबिलिटी है सब में और सबकी इक्वल कैपेसिटी है. सारे कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्यूटर कनेक्टेड है. ओके, पर ईच कंप्यूटर क्या है, इक्वल कैपेसिटी है और इक्वल कैपेबिलिटी है उनके अंदर. ओके, और वो क्या है, टुगेदर कनेक्टेड है, यूज रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क. इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, मैंने आपको बताया इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है. ओके, ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट. सारे कंप्यूटर कैसे एक्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, एज अ सर्वर भी काम करते हैं और एज अ क्लाइंट भी काम करते हैं. ओके, क्योंकि सब में क्या है, सब कंप्यूटर कैसे इक्वल है. ओके, तो कैसे, वो कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट. ओके, सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड होता है. ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके,